नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य या कहिए आधुनिक हिंदी में कौन कौन से महत्वपूर्ण लेखक हुए हैं, उनका क्या योगदान रहा है, कौन सी वो शैली है जिसको हम लोग आधुनिक हिंदी साहित्य कहते हैं, खास करके उन तमाम लेखकों को, चुनिंदा लेखकों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जिनसे हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य को जाना जाता है। तो दो लेक्चर में आज और कल हम लोग उन चुनिंदा लेखकों पर बात करेंगे। और बातचीत के लिए स्टूडियो में हैं डॉक्टर देवेंद्र चौबे, आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं और कई पुस्तकों के रचयिता हैं। दो तीन पुस्तकें मैं यहाँ बताना चाहूँगा जो काफ़ी लोकप्रिय है छात्रों और अध्यापकों के बीच में। एक पुस्तक का नाम है समकालीन कहानी का समाज शास्त्र, दूसरी पुस्तक का नाम है साहित्य का नया सौंदर्य शास्त्र, और एक और पुस्तक जो काफ़ी चर्चा में रहा आधुनिक साहित्य में दलित विमर्श। तो मैं समझता हूँ इनका देखने का नज़रिया हिंदी साहित्य को और चिंतन हम लोग को आधुनिक हिंदी साहित्य को समझने में एक आज नया आयाम साबित होगा। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर चौबे को आमंत्रित कर देंगे, वो अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम सर। नमस्कार और धन्यवाद कि आपने मुझे पुनः इस विषय पर बातचीत करने के लिए बुलाया। कई बार हम लोग जब साहित्य की दुनिया पर विचार करते हैं और बातचीत करते हैं तो दो तीन बातें हमारे ध्यान में आती हैं। हमेशा होता है कि कुछ ऐसे लेखक होते हैं जो साहित्य की दुनिया का निर्माण करते हैं या साहित्य की दुनिया को बनाते हैं, और उनका जो लेखन होता है वह साहित्य की दुनिया को समृद्ध करता है। मेरे मन में बार बार ये सवाल होता है कि जब हिंदी साहित्य का विकास होना शुरू हुआ, जाहिर है कि हमारे सबसे बड़े आलोचक हिंदी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, और रामचंद्र शुक्ल जिस गहराई और गंभीरता के साथ 1929 में उनका हिंदी साहित्य का इतिहास छपता है, और उसके पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों को पढ़ाते हुए बार बार इस बात की कोशिश करते हैं कि हमारा साहित्य कैसा होगा, वे कौन से लेखक होंगे जिनसे हिंदी साहित्य का निर्माण होता है, और इसी क्रम में वो हिंदी साहित्य का पूरा ढांचा खड़ा करते हैं या हिंदी साहित्य का पूरा साम्राज्य खड़ा करते हैं। मुझे बार बार लगता है कि जब हम आधुनिक काल को लेकर के बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये सवाल आता है कि आखिर वे कौन से लेखक हैं जो आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माण में मदद करते हैं या जिनसे आधुनिक हिंदी साहित्य की पहचान बनती है। या अगर मैं सीधे सीधे आपसे यह कहना चाहूँ कि अगर आधुनिक साहित्य के निर्माण में, जाहिर है कि आधुनिक साहित्य पर हम आगे भी विचार करेंगे आपसे कि आधुनिक साहित्य का की समय सीमा कब से माने और कब से देखें, लेकिन मोटे तौर पर हम मान कर चलते हैं कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल 1857 से शुरू होता है और अब तक चल रहा है। लेकिन 1947 के बाद चीज़ें बदलती है, और जाहिर है कि 1857 की चर्चा के पीछे जो तर्क है कि अंग्रेजी राज की शुरुआत होती है और अंग्रेजी राज के समानांतर हमारे हिंदी के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनसे संवाद करते हुए, उसका विरोध करते हुए, उनकी साम्राज्यवादी नीति का एक तरह से प्रतिरोध करते हुए हिंदी में एक नए तरह की, या कहे कि हिंदी समाज में एक नए तरह की चेतना का निर्माण करते हैं, और हिंदी समाज के बजाय हम भारतीय समाज भी कह सकते हैं कि उसका निर्माण करते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं 1947 में जब देश आज़ाद होता है वहाँ से हिंदी साहित्य की तस्वीर बदलती है, और फिर लगता है कि हमारा देश स्वाधीन हो गया है, स्वतंत्र हो गया है, और वहाँ से एक नए साहित्य के क्षेत्र में भी नए नवनिर्माण की चेतना शुरू होती है। आप जानते हैं कि नई कहानी नई कविता आदि की चर्चा हिंदी साहित्य में होते रही है। लेकिन बुनियादी तौर पर आज मैं आपसे इस बात की चर्चा करना चाहूँगा कि अगर हम आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माण में 1857 से लेकर के अगर आज 2014 में हम जून में बैठे हुए हैं तो 2014 तक के वे कौन से लेखक हैं जो आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माण में हमारी मदद करते हैं। तो आज के पहले वाले हिस्से में मैं आपसे 1947 तक के लेखकों की चर्चा करूंगा, और अगली बातचीत में हम आपसे 1947 के बाद के लेखक पर विचार करेंगे। तो पुनः हम अपने पुराने सवाल पर लौटे, अगर हम मोटे तौर पर हिंदी के लेखकों का नाम लेना चाहें तो कौन से लेखक होंगे। अगर आप मेरी राय जानना चाहेंगे या मुझे जानना चाहेंगे तो मुझे बार बार लगता है कि आधुनिक हिंदी का जो निर्माण होता है या बनना शुरू होता है उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की सबसे बड़ी भूमिका रही है, और निसंदेह हम इस बात पर गौर करना चाहेंगे और आपसे भी कहेंगे कि आप भी गौर करें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र पहले ऐसे लेखक हैं जो आधुनिक हिंदी का ढांचा खड़ा करते हैं। जब हम आधुनिक की बातचीत करते हैं तो उसके पीछे कुछ खास कारण है। जाहिर है कि आधुनिकता को लेकर बहुत सारी बहस होती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस बात की चर्चा करते हैं कि
कि हमारे साहित्य में या समाज में एक तरह से धर्म सत्ता के समानांतर जब लोगों ने एक तरह से आधुनिक चिंतन को लेकर के, आधुनिकता को लेकर के बहस करना शुरू किया, तो धीरे धीरे धर्म से अलग करना शुरू किया और कहा कि जो मनुष्य के अंदर जो चेतना है और जिस चेतना को लेकर के साहित्य लिखा या पढ़ा जाता है, पुरानी मान्यता थी कि उस चेतना के निर्माण में धर्म सत्ता की सबसे बड़ी भूमिका होती है और यह द्वंद्व आज भी जारी है। आज भी बहुत सारे लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि धर्म हमें एक तरह से सचेत करता है, चेतनशील बनाता है, लेकिन आप जानते हैं कि जिस हम आधुनिक समय की चर्चा करते हैं, उस आधुनिक समय में के जो विचारक हैं, जो बड़े बड़े विचारक हैं, कार्ल मार्क्स से लेकर के एंगल्स हैं या फिर दूसरे दौर के विचारक जो हैं, ये सारे के सारे विचारक कहते हैं कि जिस चेतना की चर्चा हम कर रहे हैं, वह चेतना का निर्माण एक तरह से उत्पादन की प्रक्रिया में जो हमारे सामाजिक संबंध बनते हैं उसके चलते एक तरह से चेतना का निर्माण होता है। जब उत्पादन की प्रक्रिया में जगह जगह से आया समाज, एक समुदाय, स्थानीय समुदाय दूसरे समुदाय से मिलता है, कहीं से आया दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से मिलता है, ये सारे लोग मिल करके जब एक साथ उत्पादन की प्रक्रिया में लगते हैं तो उसमें जो कई सारे लेयर्स होते हैं, कई सारी परतें होती है, तो धीरे धीरे एक अलग प्रकार के समाज का निर्माण होना शुरू होता है। और इस निर्माण की प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी बात होती है कि तरह तरह के सामाजिक समुदाय बनते हैं और कहा जाता है कि इस उत्पादन की प्रक्रिया में एक व्यक्ति का जो दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध होता है, एक समाज का जो दूसरे समाज के साथ संबंध होता है, ये सारी चीजें मिल करके हमारे अंदर एक अलग प्रकार की चेतना का निर्माण करती है। जाहिर है कि इसके पीछे बहुत सारे क्रांतियां रही है, बहुत सारे आंदोलन रहे हैं, बहुत सारे प्रसंग रहे हैं, लेकिन भारतीय प्रसंग में हम इस बात की चर्चा करते हैं कि यह चेतना हमारे यहाँ एक तरह से अंग्रेजी साम्राज्यवाद या कहिए कि उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष करते हुए बनी थी। और इसीलिए हम जिस आधुनिक साहित्य की चर्चा करते हैं या आधुनिक साहित्य विचार करते हैं उसके केंद्र में दो धारा बार बार दिखाई पड़ती है जिस पर विचार करना चाहिए कि जब भारत में एक तरह से मुगल सत्ता के समानांतर कंपनी राज शुरू होता है और जाहिर है कि कंपनी राज को बनाने में 1764 का बक्सर युद्ध या 1757 उसके पहले पलासी का वार है, उसके बाद जो नई तरह की सामाजिक या राजनीतिक या फिर कहिए कि मतलब व्यवस्थाएं शुरू होती है, धीरे धीरे एक तरह से एक नए भारत के देशीय निर्माण की तरफ प्रस्थान करती है। और कंपनी राज में भारत में, ठीक है, कंपनी राज में भारत में सड़कों का निर्माण होता है, रेल का निर्माण होता है, तरह तरह की बिल्डिंगें बनती है, एक 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 आधुनिक तरह का लुक आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके समानांतर जो भारतीय मन था या भारतीय मानस था, जो अपनी परंपरा से जुड़ा हुआ था, वह आधुनिक होना चाहता था, वह विकसित होना चाहता था, लेकिन वह कहीं ना कहीं इस बात पर भी विचार करता था कि हम जिस भारत के बारे में सोचते हैं, हम जिस देश में रहते हैं, उस देश में तो हमारी अपनी सत्ता या सरकार होनी चाहिए, हमारा अपना तंत्र होना चाहिए, लेकिन कंपनी राज में ऐसा संभव नहीं होता। और धीरे धीरे कंपनी राज जिस तरह की व्यवस्थाएं करती है उसमें हमारा किसान समाज सबसे अधिक प्रभावित होता है। अब जानते हैं कि 1793 में जब लॉर्ड कार्नवालिस जब एक तरह से नई तरह की जमीन की बंदोबस्ती की प्रथा शुरू करते हैं तो किसान धीरे धीरे कहे कि नगद लगान जमा करने की प्रक्रिया में धीरे धीरे उनकी माली हालत खराब होती जाती है। और यह भी कहा जाता है कि 1813 तक आते आते किसानों की हालत बहुत खराब हो गई थी और इसका नतीजा यह था कि धीरे धीरे एक अलग तरह का प्रतिरोध भारतीय समाज के अंदर पनप रहा था। गांव थे, गांव में किसान थे, किसान खेती बाड़ी करते थे, समय पर फसल नहीं उगती थी, कभी बाढ़, कभी सूखा, ये सारी चीजें मिलाकर के एक तरह से किसानों के जीवन को बिल्कुल अलग तरह से बना देती थी। जाहिर है कि गांव जो पूरा यूनिट था, गांव में एक तरह से संस्कृति थी, संस्कृति के पीछे धर्म था और वह पूरे गाँव के जीवन को चला रहा था। उसके समानांतर जिस तरह से शहर के विकास होते हैं, वहाँ पर बाजार होता है, वहाँ पर मार्केट होता है, वहाँ पर संबंध एक तरह से मार्केट या बाजार के हिसाब से बनता है और गांव में एक तरह से संबंध जो सामाजिक संबंध बनते हैं वो संस्कृतियों के हिसाब से बनते हैं। मैं जो बात कहना यह चाह रहा हूँ कि जब एक तरह से 1857 का विद्रोह होता है, जिसे विद्रोह कंपनी राज कहती है या आर्म्स स्ट्रगल कहते हैं या कई लोग इसको सिपाही म्यूटिनी कहते हैं, तो यह एक तरह से अंग्रेजी समाज या कहीं अंग्रेजों का पक्ष था कि वे मान कर चल रहे थे कि चूंकि 1857 के बाद भारत में एक तरह से अंग्रेजी राज की सत्ता कायम होती है और इसका नतीजा यह निकलता है कि धीरे धीरे
कंपनी के कामों को एक तरह से अंग्रेजी राज जो है धीरे धीरे जस्टिफाई करता है, उसको व्यवस्थित करता है, और उस प्रक्रिया में जो भी एक तरह से दस्तावेज इकट्ठे होते हैं उसको ऑफिशियल दस्तावेज मान करके हर प्रतिवर्ष 1857, 58, 59, 60 करके एक जिसे गजट कहते हैं निकलते रहता है। मेरा आपसे यह कहना है या हम जिस बात की तरफ फोकस करना चाह रहे हैं कि धीरे धीरे सरकार अंग्रेजी राज अपना पक्ष रखती है और उसके समानांतर एक तरह से जनता को लगता है कि इस राज में हमारी क्या दशा हो रही है। 1857 में जो दो चीज़ें सबसे बड़ी घटती है कि एक तरह से हिंदुस्तान पर, भारत पर जो यहाँ की जो देसी भाषाएँ थी, अवधी है, ब्रज है, या भोजपुरी है, या खड़ी बोली है, तो उसको एक कड़ी चुनौती अंग्रेजी भाषा से मिलती है और धीरे धीरे अंग्रेजी स्कूल खुलते हैं। 1870 के बाद तो कहा जाता है कि पूरे देश में अंग्रेजी स्कूलों का जाल बिछ गया था और धीरे धीरे हमारी भाषा नष्ट हो रही थी, और उसी का नतीजा था कि जब 1870 के बाद जब भारतेंदु जैसे लेखक जब हिंदी में आते हैं तो कहते हैं कि हिंदी नई चाल में ढली। कहने का अर्थ कि हिंदी में एक नए तरह की चेतना का निर्माण होता है और वह निर्माण के पीछे कहीं ना कहीं अंग्रेजी साम्राज्यवाद के प्रतिरोध की सबसे बड़ी भूमिका थी। तो जो बात मैं शुरू में कह रहा था कि दो धाराएं विकसित होती है, एक धारा वह है जो अंग्रेजी राज का एक तरह के साथ संवाद करते हुए एक अपनी धारा विकसित करती है, लेकिन दूसरी धारा जो है वह अंग्रेजी राज का एक तरह से प्रतिरोध करती है, अंग्रेजों की भाषा नीति का विरोध करती है, अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली का विरोध करती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सारी प्रक्रियाओं में एक अलग तरह के हिंदी मानस का, हिंदी समाज में, भारतीय समाज में अलग तरह की चेतना का विकास होता है, और उसका नतीजा हम यह मान कर चलें कि जब कहा जाता है कि अंग्रेज सरकार जब आती है तो कई तरह के एक्ट लाती है, ब्रिटिश आर्म्स एक्ट है, ब्रिटिश प्रेस एक्ट है, ये एक्ट धीरे धीरे काफ़ी ताकतवर होते हैं, और 1878 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है ब्रिटिश सरकार का, वह एक तरह से इस बात की ताकीद करता है, यह कहता है कि जो भी चीज़ें यहाँ के वर्नाकुलर या यहाँ की भाषाओं में छपेगा उसको एक तरह से खास प्रकार की जाँच की प्रक्रिया से गुजरना होगा, और इस जांच की प्रक्रिया से गुजरने का मतलब था कि एक कमिटी होगी जो छपने वाली सामग्री को देखेगी। और मैं इस बात को जोर देकर कहना चाहूँगा कि 1878 के ब्रिटिश एक्ट का नतीजा यह निकला कि एक अलग तरह का प्रतिरोध की चेतना मतलब हमारे भारतीय समाज में पैदा हुई, और जिसका नतीजा था या जिसका प्रभाव था कि धीरे 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 एक प्रतिरोध की चेतना जो बनी वह उसका उसकी अभिव्यक्ति कई तरह से दिखाई पड़ने लगी। वह बोलचाल की भाषा में दिखाई पड़ने लगी, वह एक तरह से भारतीय समाज का जो व्यवहार था उसमें दिखाई पड़ने लगी, वह एक तरह से भारतीय समाज को समझने के जितने सिंबल से संकेत थे उसमें दिखाई पड़ने लगी। कहने का मतलब कि भारत को एक तरह से समझने के लिए हम लोग कहते हैं कि बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जो भारतीय साहित्य है, जो भारतीय संगीत है, जो भारतीय कलाएं हैं, या इसी तरह से मतलब यहाँ का जो लोक साहित्य है, यहाँ का जो लोक नृत्य है, कहने का अर्थ कि एक व्यक्ति या एक समाज अपने जीने की प्रक्रिया में जितने भी प्रकार की एक तरह से अभिव्यक्तियों को एक तरह से ईजाद करता है, उसका आविष्कार करता है, वे सारी चीज़ें मिल करके एक तरह से एक नए प्रकार की चेतना का निर्माण करती है। और हम इस बात की चर्चा करेंगे कि आधुनिक काल में ऐसे लेखक आते हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं, इस बात को गहराई से समझते हैं, और उनका जो साहित्य हमारे सामने आता है वह इसी प्रकार की चेतना को लेकर के आता है। हिंदी के एक बहुत बड़े आलोचक रामविलास शर्मा हैं। रामविलास शर्मा इस बात की चर्चा करते हैं कि 1857 के बाद हिंदी साहित्य में जो चेतना पैदा होती है उसको वे हिंदी नवजागरण की संज्ञा से संबोधित करते हैं, और कहते हैं कि हिंदी नवजागरण का अर्थ यह भी था कि हिंदी प्रदेश में जो एक तरह से मतलब चेतना का उदय हुआ, हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि जिस भारतीय नवजागरण की चर्चा होती है जिसके केंद्र में राष्ट्र मुक्ति का सवाल सबसे बड़ा सवाल है, तो कहीं ना कहीं यह भी कहा जाता है कि बंगाल में जो एक तरह से मतलब जो नवजागरण की चेतना थी उसके केंद्र में एक तरह से बुद्धिवाद का प्रभाव था, या फिर हम महाराष्ट्र की चर्चा करेंगे तो महाराष्ट्र में जो एक चेतना पैदा होती है वहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब एक दलित उत्थान की बात थी या दलित चेतना सबसे बड़ा पक्ष था,
लेकिन उन सबके समानांतर जो हमारे हिंदी प्रदेश थे, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे बिहार हो, जाहिर के बिहार उस समय बिहार बंगाल उड़ीसा एक ही इकाई थी, एक ही राज्य प्रांत था, या फिर उत्तर प्रदेश हो, तो ये सारे के सारे जो जहाँ पर हिंदी एक तरह से सामाजिक व्यवहार की भाषा थी या सामाजिक बोलचाल की भाषा थी, या जिसे हम हिंदी प्रदेश भी कहते हैं, जिसकी मुख्य बोलियों में आपका ब्रज है, अवधी है, बुंदेली है, या भोजपुरी है, या इसी तरह से मतलब राजस्थानी है, तो ये सारी जो बोलियाँ थी और इसमें जो एक तरह से हमारा समाज जो अभिव्यक्त कर रहा था अपनी अपने भावों को, अपने विचारों को, और कहा जाता है कि साहित्य कुछ नहीं होता, साहित्य मनुष्य के भाव और विचार की एक तरह से अभिव्यक्ति होती है, और वह अभिव्यक्ति के केंद्र में जो भी यथार्थ होता है, जो भी जीवन का सच होता है, उसी जीवन के सच को एक तरह से लेखक कल्पना के सहारे अपने भाव और विचारों को जोड़ करके व्यक्त करता है। तो साहित्य कहीं ना कहीं सच के समर्थन में खड़ा होता है। जो समाज का सच होता है साहित्य उसे व्यक्त करता है, जो जीवन का सच होता है साहित्य उसे व्यक्त करता है, जो राष्ट्र का सच होता है साहित्य उसे ही व्यक्त करता है। और रामलीला शर्मा जिस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पराधीन भारत में या अंग्रेजी साम्राज्यवाद के प्रतिरोध में जिस हिंदी प्रदेश में या जिस चेतना का निर्माण होता है, जिसे हमारे आधुनिक हिंदी के लेखक जिसको बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, उसमें रामलीला शर्मा 5 लेखक की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि ये 5 लेखक एक तरह से हिंदी नवजागरण के केंद्र में हैं, और ये 5 लेखक हिंदी मानस का निर्माण करते हैं या हिंदी मानस को समझते हैं, हिंदी समाज की जो चेतना है, हिंदी समाज के जो विचार हैं उसको व्यक्त करते हैं। और कहने का मतलब कि अगर आप इन 5 लेखक को ठीक से पढ़ते हैं तो आप जो हमारा देश है, देश को तो समझते ही हैं, इस भारतीय देश के साथ आप एक तरह से हिंदी समाज को भी समझ सकते हैं। इन 5 लेखक में ये सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र की चर्चा करते हैं, इनके दूसरे लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, तीसरे लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, चौथे लेखक प्रेमचंद हैं और 5वें लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। ये कहते हैं कि 5 लेखक के सहारे एक तरह से आधुनिक या कहिए कि हिंदी नवजागरण की चेतना का निर्माण होता है, और जाहिर है कि इसमें भारतेंदु बहुत बड़े लेखक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र कविताएँ लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, निबंध लिखते हैं और देश का इतिहास लिखते हैं। इसी तरह से महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं निबंध लिखते हैं और कविताएं भी लिखते हैं, सरस्वती पत्रिका का संपादन करते थे वे, और इसी प्रकार उन्होंने संपत्ति शास्त्र नाम की किताब लिखी जिसकी काफ़ी चर्चा होती है हिंदी में कि वह एक तरह से हिंदी में लिखा गया अर्थशास्त्र पर पहली किताब है। या इसी तरह से तीसरे लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं जो बहुत बड़े हिंदी के आलोचक हैं, वे शुक्ल जी मतलब मूलतः निबंधकार हैं, साहित्य का इतिहास लिखते हैं, और एक तरह से जो हमारा सिद्धांत पक्ष है खास करके रस मीमांसा के जरिए, वो साहित्य में सैद्धांतिक एक तरह से चेतना का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार जो हमारे प्रेमचंद हैं बहुत बड़े कथाकार हैं, कहानियाँ लिखते हैं प्रेमचंद, उपन्यास लिखते हैं, नाटक भी लिखते हैं, और इसी प्रकार साहित्य का उद्देश्य नाम से एक तरह से कही कि आलोचना की किताब भी लिखते हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हमारे हैं हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, हिंदी के एक तरह से कहिए कि कवि के साथ साथ बहुत बड़े गद्यकार भी हैं, और जिस तरीके से हिंदी गद्य का निर्माण करते हैं या हिंदी गद्य में का एक तरह से बनाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण काम है। मैं जो बुनियादी तौर पर जो बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि ये 5 लेखक तो हमारे सामने हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हिंदी में 1857 से लेकर के 1947 के बीच के अगर हम 10 लेखक का नाम लेना चाहेंगे तो ये कौन से लेखक होंगे? ये 5 लेखक जरूर हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे सामने एक तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, महादेव वर्मा हैं, और इसी तरह से आगे भी एक तरह से लिखना शुरू कर देते हैं, उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी जो है वह आज़ादी के पहले छपता है, यशपाल हैं, यशपाल के बहुत सारे उपन्यास से कहानियाँ आज़ादी के पहले छपती है, और इसी तरह से आप कह सकते हैं कि जो दूसरे तीसरे लेखक हैं जैसे जयशंकर प्रसाद हैं, हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, और यह भी हम कह सकते हैं कि प्रसाद जिस तरीके से अपनी रचनाओं के जरिए भारतीय समाज को समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारे भारतीय समाज की जो परम्परा है जिसे हम चिंतन की परम्परा कहते हैं और जिनके जरिए एक तरह से भारतीय समाज का निर्माण होता है, और वह उसके पीछे जो विचारधाराएं काम करती है
वो कौन सी विचारधाराएं थी जिसको हम लोग शैव मत कहते हैं, जिसका प्रभाव प्रसाद पर बहुत गहरा था। तो ये सारी चीजें मिलाकर के एक तरह से आधुनिक हिंदी साहित्य का निर्माण करती है। तो मूलतः हम इस बात की चर्चा आपसे करना चाह रहे हैं कि ये लेखक जो हैं, अगर हम क्रम से करना चाहें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आपके प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा या फिर यशपाल अगे, ये ऐसे लेखक हैं जिनसे पूरे हिंदी साहित्य का मिजाज बनता है। इनमें और भी बहुत सारे लेखक हैं, आप मैथिली शरण गुप्त का नाम ले सकते हैं, बालकृष्ण भट्ट का नाम ले सकते हैं, या इसी तरह से हम लोग सुमिता नंदन पंत का नाम ले सकते हैं, या फिर नंदुलारे वाजपेयी का नाम ले सकते हैं हम लोग, जैनेन्द्र का नाम ले सकते हैं हम लोग, या देवराज का नाम ले सकते हैं हम लोग। ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जिनके आधार पर हिंदी साहित्य बनता है। लेकिन जो बात मैं आपसे कहना चाह आपके आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ कि आखिर इन लेखकों ने क्या किया, इन लेखकों की क्या ऐसी विशेषताएं थी जिसको जानने का मतलब आधुनिक हिंदी साहित्य को समझना है। मुझे बार बार लगता है कि इसको थोड़ा सा इसको कुछ तरीके से किसी दो तीन तरीके से देखने की जरूरत है। आप देखेंगे कि आधुनिक हिंदी साहित्य को समझने के लिए हमारे जो लेखक हैं या हमारे जो आलोचक हैं या हमारे जो विचारक हैं, वे इसको दो तीन हिस्सों में बांटते हैं। जैसे भारतेंदु का जो समय है उसे हम 1857 से चर्चा करते हैं, और इसीलिए भारतेंदु चूंकि इस दौर के सबसे बड़े लेखक हैं तो उनके नाम पर इस लेख इस काल का 1857 से लेकर के 1900 तक के समय को भारतेंदु काल के रूप में जाना जाता है। इसी तरह से हिंदी के जो दूसरे सबसे बड़े लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी आधुनिक हिंदी के, तो जिस तरीके से भी हिंदी में काम करते हैं तो इसलिए उनके नाम पर दूसरा काल जो हिंदी का द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हिंदी में एक विस्तार होता है, एक विस्तार कथा साहित्य में होता है, और इसीलिए कथा साहित्य में प्रेमचंद की भूमिका सबसे बड़ी थी, और इसीलिए इस काल में एक तरह से 1918 के बाद का जो समय है वह प्रेमचंद के समय के रूप में जाना जाता है कथा साहित्य में। और कई बार जब प्रेमचंद का निधन 1936 में होता है तो उसके बाद के भी कथा साहित्य के इतिहास को समझने के लिए या कथा को समझने के लिए प्रेमचंदोत्तर कथा साहित्य करके हम लोग समझते रहे, या हिंदी का जो पूरा अकादमिक जगत है उसको उसी रूप में देखते रहा है। इसी प्रकार आलोचना के क्षेत्र में शुक्ल जी का नाम सबसे बड़ा है, और इसीलिए 1918 के बाद जो हिंदी आलोचना या जिस हिंदी आलोचना का विकास होता है उसे शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। और शुक्ल जी के निधन के बाद शुक्लोत्तर हिंदी निबंध या शुक्लोत्तर हिंदी समीक्षा या शुक्लोत्तर हिंदी गद्य इस रूप में देखा जाता है। तो और इसी प्रकार कविता के क्षेत्र में छायावाद का उदय होता है, और छायावाद के जो चारों ये कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये चारों लेखक मिल करके एक तरह से द्विवेदी काल के बाद की हिंदी कविता को समृद्ध करते हैं। लेकिन इसके समानांतर कुछ और भी कवि हैं जो लगातार लिखते हैं, जैसे मैथिली शरण गुप्त हमारे सामने हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं, या माखनलाल चतुर्वेदी हैं, या बाद के दिनों में सुभद्रा कुमारी चौहान आती हैं, और फिर महादेवी वर्मा तो छायावाद की लेखिका और कवित्री हैं ही। तो ये सारे के सारे लेखक मिल करके एक तरह से पूरे हिंदी साहित्य का निर्माण करते हैं। अब जो जिस बात की तरफ मैं शुरू में इशारा कर रहा था कि इस पूरे दौर के हिंदी साहित्य को, खास करके आधुनिक काल जिसे हम मान कर चल रहे हैं, जिसे हम दो ही समय देखने के का प्रयास कर रहे हैं, एक आधुनिक काल का यह प्रसंग, दूसरा समकालीन साहित्य वाला प्रसंग जिस पर हम बाद में आपसे चर्चा करेंगे। तो इसमें आखिर ये लेखक करते क्या हैं, इन लेखक की सबसे बड़ी चिंता क्या है, ये लेखक आखिर मतलब क्या ऐसा करना चाहते हैं जिसको सोच करके, जिसको समझ करके पूरा हिंदी समाज आज भी उस पर गर्व करता है। इसमें सबसे पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की चर्चा करें। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कहा जाता है कि बनारस के रहने वाले थे, और उन्होंने हिंदी में एक नए प्रकार की हिंदी का निर्माण किया, और जिस हिंदी का निर्माण किया उसको लोगों ने कहा किया या उसका नाम दिया हरिश्चंद्री हिंदी। तो उसे हिंदी की बहुत सारी खासियत थी,
बल्कि कई बार भारतेंदु के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जिस भाषा को निर्माण किया उसमें हिंदी की सारी बोलियां थी, उसमें ब्रज के भी शब्द थे, अवधि के भी शब्द थे, उसमें खड़ी बोली के शब्द हैं, उसमें फारसी के भी शब्द हैं, उसमें जो भी उस जमाने में जो सामाजिक व्यवहार की भाषा थी, उस सामाजिक व्यवहार की भाषा को भारतेंदु एक तरह से साहित्य की भाषा में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। और भारतेंदु की सबसे बड़ी बात है, कहा जाता है कि लेखन क्या होता है, एक सामान्य सामान्य भाषा और साहित्य में क्या फर्क है, मतलब साहित्य की भाषा और सामान्य भाषा में क्या फर्क होता है। तो कहा जाता है कि यह लेखक की कला होती है, या लेखक का एक तरह से कहिए कि क्षमता होती है कि कैसे वह बोलचाल की भाषा को, कैसे सामाजिक व्यवहार की भाषा को एक तरह से अपनी कला के जरिए, अपनी रचनात्मकता के जरिए, या कहे कि अपने मानस के जरिए, अपने विचारों के जरिए उसको एक तरह से साहित्य की भाषा में तब्दील कर देता है। जाहिर है कि इसके कुछ जरूर कुछ इसको यह जो ट्रांसफॉर्मेशंस होता है एक तरह से एक सामान्य भाषा का साहित्य की भाषा में तब्दील होने का, तो इसकी कोई ना कोई प्रक्रियाएँ होगी, और इन प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास बाद के दिनों में संरचनावादी विचारकों ने किया, या जिसे हम रूपवादी विचारक कहते हैं, या फिर संरचनावादी, मूलतः इसको संरचनावादी विचारकों ने इस प्रक्रिया को बहुत ठीक ठाक तरीके से व्याख्यायित किया और उसको और विस्तार दिया उसको। जानिए कई बार ये बहुत साफ साफ बताना मुश्किल होता है कि टेक्निक क्या होती है जिसके जरिए हम एक सामान्य भाषा को रचनात्मक भाषा में तब्दील करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जिसे कहा जाता साहित्य की परिभाषित, साहित्य को परिभाषित करते हुए हमारे लेखकों ने जो बार बार कहा है कि जो साहित्य होता है वह मनुष्य के भाव और विचार की यथार्थ अभिव्यक्ति होता है। भाव और विचार, विचार आपके अपने विचार हो सकते हैं, अपने समाज के विचार हो सकते हैं, अपने देश के विचार हो सकते हैं, लेकिन भाव तो आपका अपना होता है। और भाव को समझने का पूरा एक शास्त्र हमारे यहाँ रहा है कि हमारे मन में तरह तरह के भाव होते हैं, लेकिन इन भाव के निर्माण में एक तरह से मूलतः कहा जाता है कि जो हमारे सामने यथार्थ होता है, जो हम देखते हैं, उसको देख करके आपके मन में कई तरह के भाव आते हैं। जैसे आप जब घर से बाहर निकलते हैं और बाहर बहुत ठंडी हवा बह रही है, उसको देख करके आपके मन में एक अलग तरह का भाव आएगा। कहीं पर नारेबाजी हो रही है, आंदोलन हो रहे हैं, उसको देख करके आपके मन में कुछ और भाव आएगा। कहीं पर नदी के पानी का बहना आप देखेंगे तो उस पानी को देख करके आपके मन में तरह तरह के भाव आएंगे। कहीं पर पक्षी को उड़ते देखेंगे तो अलग भाव आएंगे। कहने का मतलब कि भावों के निर्माण में जो हमारे सामने यथार्थ होता है, जो वस्तुगत यथार्थ होता है, उसकी बड़ी भूमिका होती है। और हमारे लेखकों ने यही काम किया कि उस भाव को एक तरह से अपनी कल्पना के जरिए एक तरह से साहित्य में तब्दील किया। और इस मामले में भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के बहुत बड़े लेखक हैं, जो समय था, जिस समय में थे वह पूरा अंग्रेजी राज था। अंग्रेजी राज में दो चीज़ें बड़े पैमाने पर हो रही थी। पहला कि एक तरह से देशीय परंपराओं का एक तरह से अपमान हो रहा था, और दूसरा यहाँ के जो आर्थिक संसाधन थे या यहाँ के जो रिसोर्सेज थे उसको धीरे धीरे अंग्रेजी साम्राज्यवाद एक तरह से उसका शोषण कर रहा था। और उसको कहा जाता था कि यहाँ के सारे जो रॉ मटेरियल थे उसको विदेश लेकर जाते थे, विलायत लेकर के जाते थे, और वहाँ से फिर एक तरह से कच्चा माल ले जाते थे, पक्का माल वापस लाते थे। जैसे यहाँ से सूत और कपास ले जाते थे और वहाँ से विलायती कपड़ा बना करके हिंदुस्तान लेकर के आते थे। और जो यहाँ पर कपड़ा सूत का जो आपको मान लीजिए कि उस समय 2 रुपया का मिलता था, जब वो विलायत से लौटता था तो वो 15 रुपया 20 रुपया का होता था। तो भारतेंदु इसीलिए इस बात की चर्चा करते हैं कि भारतेंदु कहीं ना कहीं उस समय अंग्रेजी राज का जो चरित्र था उसको पहचानने की कोशिश करते हैं कि अंग्रेजी राज का जो चरित्र है वह एक तरह से लूट का है, आर्थिक शोषण का है, भारतीय समाज का सामाजिक अपमान का है। और भारतेंदु एक तरह से इसमें इस बात की भी चर्चा करते हैं कि वो पूरा का पूरा मतलब जो शासन जो तंत्र है जिसको हम लोग सुशासन कहते हैं उसका बिल्कुल अभाव दिखाई पड़ता है। और इसीलिए उनका एक जो नाटक है अंधेर नगरी चौपट राजा, तो उसके पीछे यही तर्क था कि अंधेर नगरी है चौपट राजा, मतलब जो भी देश का शासक है उससे अपनी जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता क्या सोच रही है, जनता की क्या जनता के क्या दुख हैं, जनता की क्या तकलीफें हैं, इसके बारे में शासन कुछ नहीं विचार कर रहा है। और जिसका नतीजा था कि भारतेंदु एक तरह से इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के एक विरोध का स्वर पैदा करते हैं। और इसके साथ ही अपने समय के जो लेखक थे
उनके अंदर भी यह चेतना पैदा करते हैं कि वह अंग्रेजी राज के चरित्र को पहचाने, उसको समझें और फिर उसके खिलाफ एक तरह से अपने मानस का निर्माण करें और फिर समाज के निर्माण में मदद करें। और इसमें जो दो तीन लेखक उनके साथ खड़े होते हैं उसमें प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, ये सारे लेखक मिल करके एक तरह से इस काल के समय को, इसमें एक लेखक की चर्चा हिंदी साहित्य के इतिहास में नहीं होती है, उनका नाम मैं लेना चाहूँगा, उनका नाम था महेश नारायण। महेश नारायण ने 1881 में कविता लिखी थी, उसका नाम है स्वप्न, और उस स्वप्न कविता में भी एक तरह से वह अंग्रेजी राज के चरित्र को पहचानने की कोशिश करते हैं और उसमें दिखाते हैं कि कैसे आर्म्स एक्ट के सहारे या फिर कैसे प्रेस एक्ट के सहारे अंग्रेजी राज जो है एक तरह से भारतीयों का दमन और शोषण कर रहा है, कैसे हम अपनी आत्मरक्षा के लिए जो हथियार लेकर गांव में लोग चलते थे, लाठी भाला फरसा, उन पर कैसे रोक लगाती है अंग्रेजी सरकार, उसके बारे में अपनी कविताओं में लिखते हैं। या इसी तरह से इस बात की भी चर्चा करते हैं कि कैसे प्रेस एक्ट के जरिए अंग्रेजी सरकार जो है देसी भाषाओं में जो अखबार छप रहे थे उन पर रोक लगाने की कोशिश करती है और उनमें उनके लिए तरह तरह की अड़चनें पैदा करती हैं और फिर उसके खिलाफ कविताएं लिखते हैं। स्वप्न कविता में ऐसे बहुत सारे प्रसंग की चर्चा करते हैं और अंत में एक बात की चर्चा करते हैं कि महादेव यह राज स्वाधीन करते हैं। अब यह जो महादेव यह राज स्वाधीन करते प्रसंग है, कई बार इस बात की चर्चा होती है कि भारतेंदु काल के जो लेखक हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र जो लेखक हैं, इनके लेखन में धर्म जो है या धार्मिक जो संकेत हैं या हिंदू धर्म से जुड़े जो संकेत हैं उनकी बार बार उपस्थिति दिखाई पड़ती है। जैसे महेश नारायण में महादेव यह राज स्वाधीन करते, महादेव भाई राज कैसे स्वाधीन करेंगे, तो लेकिन कई बार ये कहा जाता है कि भारतेंदु काल के लेखक की जो सबसे बड़ी विशेषता है या इस पूरे 1857 से 1947 के बीच के जो हमारे हिंदी के लेखक हैं वे एक तरह से धर्म का जब इस्तेमाल करते हैं या धर्म के या धार्मिक संकेतों का जब उपयोग करते हैं तो उसके जरिए वे किसी खास धर्म का प्रचार करना नहीं चाहते हैं, बल्कि हमारे समाज की जो जीवन पद्धति थी, जो जीवन जीने की कला हमारे एक लंबे एक तरह से संघर्ष के बाद भारतीय समाज ने ईजाद किया था, तो उस जीवन पद्धति को बचाने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारी यह जीवन पद्धति है, हम इस तरह से जीवन जीते हैं तो इसको हम बचाने की कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं ये अगर धार्मिक संकेत आ रहे थे तो उसके पीछे ये तर्क था। और इसकी चर्चा हम ऐसे भी करेंगे कि बहुत सारे इतिहासकार हैं, कई इसका विरोध भी करते हैं लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इसका समर्थन भी करते हैं। सुधीर चंद्रा जैसे इतिहासकार तो कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के लेखन में जो यह एक तरह से जो धार्मिक चेतना है यह सिर्फ धर्म के लिए नहीं है, बल्कि यह धार्मिक चेतना धीरे 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 राष्ट्र चेतना से भी जुड़ती है। जैसे हमने कहा कि स्वप्न कविता में महेश नारायण कहते हैं कि महादेव यह राज स्वाधीन करते, तो यह जो धर्म के जो अगर महादेव अगर भारतीय धर्म के सिंबल्स हैं तो ये इसके जरिए वो कहते हैं कि राज्य को स्वाधीन करते, इसका मतलब कि वह यह कहना चाहते हैं कि यह जो धर्म है यह धर्म मतलब देश की आज़ादी के लिए है, इसको वहाँ पर इसको रिप्लेस करना, वहाँ इसको ट्रांसफ़र करना, मतलब एक उसके अंदर राष्ट्र चेतना का भाव पैदा करते हैं। तो जिसे हम एक तरह से कहा जाए कि जिसे हम कहते हैं जिसे देशीय चेतना का विकास कहते हैं, तो इस प्रकार की देशीय चेतना का विकास इस काल के लेखक करते हैं, ये अनवरत मतलब ये दिखाई चेतना दिखाई पड़ती है। दूसरे लेखक जो बड़े लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जब वे हिंदी में आते हैं तो देखते हैं कि हमारी हिंदी की हालत बहुत खराब हो रही है। 1903 में उनका एक लेख छपता है हिंदी की दशा करके, वो इस बात की चर्चा करते हैं, सरस्वती पत्रिका में उनका लेख छपता है और सरस्वती पत्रिका के संपादक थे वे। द्विवेदी जी कहते हैं कि क्या हो रहा है हमारे देश में, हमारे देश की जो भाषा है हमारे प्रदेश की हिंदी भाषा है उसकी हालत तो बहुत खराब है, ब्रज में अच्छी कविताएं नहीं लिखी जा रही है, भारतेंदु को छोड़ दे तो कोई अच्छी कविताएं नहीं लिख रहा है, खड़ी बोली में बहुत अच्छी कविताएं नहीं लिखी जा रही है और सारे के सारे लेखक ये क्या लिख रहे हैं। यहाँ तक कि द्विवेदी जी इस बात की चर्चा करते हैं कि हमारे हिंदी में एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसे इतिहास कहा जा सके, जिसे अर्थशास्त्र की किताब कही जा सके, जिसे भूगोल की किताब कही जा सके, और उन्हें इस बात पर दुख होता है और दुख प्रकट करते हैं और कहते हैं कि हमें अगर अपने समाज को आगे ले जाना है, अपनी हिंदी भाषा का विकास करना है, तो हमें हिंदी में अनेक ऐसे ग्रंथों की रचना करनी चाहिए जो इतिहास से संबंधित हो, जो अर्थशास्त्र से संबंधित हो और जो एक तरह से समाजशास्त्र से संबंधित हो। और ऐसा कहते भी हैं और द्विवेदी जी ऐसा करते भी हैं।
मैंने आपसे पूर्व में चर्चा की कि उनका संपत्ति शास्त्र किताब इसी तरह की किताब है, या इसी तरह से बहुत सारे लेखक उस काल के हैं जो मतलब तरह तरह की किताबें लिखते हैं, तरह तरह की चीज़ों पर विचार करते हैं। और उस काल में हिंदी की जो पत्रिकाएं निकलती है, पत्र पत्रिकाएं निकलती है, खास करके मैं सरस्वती पत्रिका की चर्चा करना चाहूँगा। सरस्वती उस जमाने की सबसे बड़ी पत्रिका थी और इस पत्रिका के जरिए द्विवेदी जी उसमें विज्ञान पर लेख छापते हैं, उसमें स्त्रियों की दशा को लेकर लेख छापते हैं, उसमें एशियाई या यहाँ के जो किसान थे उनके बारे में लेख छापते हैं, चीन में, जापान में, या फिर कहिए कि श्रीलंका में। और इसके जरिए मैं कहना चाहूँगा कि द्विवेदी जी हिंदी के पहले ऐसे लेखक हैं जिनके पूरे वैचारिक चिंतन में, जिनके विचारों में एक तरह से एशियाई समाज की चिंतन की प्रक्रिया दिखाई पड़ती है। और इसीलिए कई बार जब कहा जाता है ये लेखक मतलब सिर्फ हिंदी के लेखक हैं, तो मैं इस बात की चर्चा करना चाहूँगा, ये लेखक हिंदी के सिर्फ लेखक नहीं हैं, इनके पूरे लेखन में जैसे रामचंद्र शुक्ल जिस तरीके से लिखते हैं, शुक्ल जी के पूरे निबंधों को पढ़ जाइए, आपको लगेगा कि शुक्ल जी आपको पूरा आपके मानसिक यात्रा कराते हैं, पूरे देश की यात्रा कराते हैं। शुक्ल जी तो कहते हैं कि अगर देश को समझना है तो अपने घर से बाहर निकलिए, आप झाड़ियों को देखिए, पक्षियों को देखिए, कलकल करते पानी बहते नालों को देखिए। तो देश को समझने के लिए आपको देश के बाहर निकलना पड़ेगा, देश की धरती देखनी पड़ेगी, देश का जीवन देखना पड़ेगा। और इसी तरह से प्रेमचंद जिस तरीके से अपने कथा साहित्य में गोदान के जरिए किसान जीवन के का की महा कथा को प्रस्तुत करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रेमचंद बता रहे थे कैसे धीरे धीरे मतलब अंग्रेजी राज में एक तरह से किसान जो थे धीरे धीरे एक तरह से मतलब किसान से धीरे धीरे मजदूर होते जा रहे थे। गोदान उनका उपन्यास, उनका पूस की रात कहानी, इस इन सारे कहानियों में, और इसके समानांतर प्रेमचंद यह भी दिखा रहे थे कि हमारे गांव की जो सामाजिक संरचना है, जाहिर है कि गांव की पूरी संरचना वर्ण और जाति को लेकर के है, और उसमें किस प्रकार के हमारे सामाजिक संबंध होते थे, एक समाज का दूसरे समाज के साथ, एक जाति का दूसरी जाति के साथ, एक वर्ण का दूसरे वर्ण के साथ, और इसी प्रकार निराला भी एक तरह से अपने पूरे साहित्य में एक तरह से इन सवालों से टकराते हैं। तो ये पांचों लेखक एक तरह से जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आपके रामचंद्र शुक्ल प्रेमचंद, और महादेव और आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और इसके समानांतर जो दूसरे लेखक हैं हमारे जिन पर हम आगे भी विचार करेंगे, ये सारे लेखक मिल करके एक तरह से अपने भारतीय समाज को समझने की चिंता और चेतना प्रकट करते हैं। इनके केंद्र में गाँव है, ये गांव को समझने की कोशिश करते हैं, इनके केंद्र में भारतीय समाज की संरचना है जिसके जरिए भारत को समझा जा सकता है। ये सारे के सारे लेखक, प्रेमचंद भी सिर्फ हिंदी के लेखक नहीं है, प्रेमचंद के पूरे साहित्य में आप पढ़ेंगे, उनके निबंधों को पढ़िए आप प्रेमचंद के, प्रेमचंद किस प्रकार पहले विश्व युद्ध के बाद जो सामाजिक और जो राजनीतिक परिवर्तन पूरे विश्व में हो रहे थे, और खास करके 1920 के बाद जिस तरह का आर्थिक संकट का उदय होता है, 1929 और 30 तक जाते जाते कैसे सवाल बड़ा सवाल बन जाता है, और वो आर्थिक संकट कैसे समाजवाद के सवालों से टकराने लगता है, कैसे वो राष्ट्रवाद के सवालों में तब्दील होता है। तो प्रेमचंद कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के जरिए, समाजवाद के जरिए और आर्थिक बदलाव या विकास के जरिए एक तरह से इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि वैश्विक स्तर पर क्या घटित हो रहा था। तो कई बार इन लेखकों को एक तरह से सिर्फ मतलब हिंदी का लेखक कह करके हम लोग, ठीक है हिंदी भाषा में लिखते थे तो हिंदी के ही लेखक हैं, लेकिन ये लेखक एक तरह से आधुनिक हिंदी साहित्य का जो पहला हिस्सा है उसको बनाने में बड़ी भूमिका निभाते। अगर ये लेखक नहीं होते, जाहिर है कि मैंने कहा कि इसमें जैनेन्द्र की बड़ी भूमिका है, जयशंकर प्रसाद की बड़ी भूमिका है, जयशंकर प्रसाद तो जिस तरीके से भारतीय चिंतन परंपरा को समझते हैं और कामायनी के जरिए जिस भारतीय हमारी सभ्यता की समीक्षा करते हैं वह अद्भुत है, और उन्हीं को किताब को लेकर के कमानी के बहाने एक तरह से मुक्तिबोध, एक तरह से कमानी के पुनर्मूल्यांकन के जरिए एक तरह से सभ्यता समीक्षा जैसी धारणा लेकर के आते हैं। तो ये लेखक सिर्फ लेखक नहीं है, ये बल्कि समाज वैज्ञानिक भी हैं, समाज चिंतक भी हैं, और जैसा मैंने कहा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी तो हिंदी के पहले ऐसे लेखक हैं या भारत के पहले ऐसे लेखक हैं जिनके पूरे लेखन में, जिनके पूरे साहित्य में एशियाई समाज की चिंता दिखाई पड़ती है। अगर हम एशियाई साहित्य की अवधारणा का विकास करना चाहें तो हिंदी के बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, द्विवेदी जिसमें सबसे पहले लेखक हैं जिनके यहाँ एशियाई साहित्य की धारणा जैसी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। जाहिर है कि एशियाई साहित्य की परिभाषा नहीं देते हैं, लेकिन एक बहुत साफ कहते हैं कि जिस देश की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है, मतलब जैसा समाज होगा वैसा ही साहित्य होगा।
और इसी नाते वो कहते हैं अगर जापान में स्त्रियों की हालत खराब है तो जापानी साहित्य में स्त्री की विडंबनापूर्ण जिंदगी का बयान होगा ही। अगर चीन में किसानों की हालत खराब है, चीन में गरीबी है, भुखमरी है, तो फिर वहाँ के साहित्य में गरीबी का चित्रण दिखाई ही पड़ेगा, जैसा कि लुसुन की कहानियों में दिखाई पड़ता है कि कैसे गरीबी से आदमी बीमार होता है, फिर बीमार के बाद फिर आदमी का निधन हो जाता है। लुसुन की अनेक कहानियों में यही क्रम दिखाई पड़ेगा, गरीब है, खाना नहीं मिल रहा है, भूख लगती है, खाना नहीं मिलता, बीमार पड़ता है, फिर उसका निधन हो जाता है। तो एक दर्दनाक जो जीवन होता है, जो जीवन के यथार्थी लेखक प्रस्तुत करते हैं। और आधुनिक हिंदी साहित्य के जो 10-12 लेखक हैं, भारतेंदु हरिश्चंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, आपके बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, जैनेन्द्र हैं, ये लेखक एक तरह से अपने लेखन के जरिए पराधीन भारत जो था, या कहीं अंग्रेजी राज में जो भारत था, उसको समझने की कोशिश करते हैं और अपना मत, अपना विचार आपके सामने लाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके लेखन को पढ़ने का मतलब है कि आप भारत को समझना, और भारत को समझने का मतलब है कि अपना जो देशीय मन है, देशीय जो समाज है, देशीय जो चिंतन की परंपराएं हैं, उसको भी समझना। और इसमें ये लेखक बड़ी मतलब ताकत के साथ हमारी मदद करते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण लेखक हुए, एक तो इनका अपना हर विषय पर, जैसा कि आपने बताया कि जबकि इन लोगों का लेखन हिंदी में था इसलिए हिंदी के लेखक कह सकते हैं, लेकिन विचार का जो दायरा था वो काफ़ी बड़ा था और काफ़ी गहरा असर कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस नज़रिए से, जो इंटेलेक्चुअल बियरिंग जिसको इंग्लिश में लोग बोलते हैं, उस नज़रिए से अगर हम लोग कंपेरेटिव स्टडी करें तो इनका जो लेखन तो काफ़ी आगे का हम लोग कह सकते हैं। बहुत, बल्कि भारतेंदु भी आर्थिक सवाल को उठाते हैं, द्विवेदी जी आर्थिक सवाल को उठाते हैं, और इसी प्रकार प्रेमचंद के यहाँ भी आर्थिक सवाल है, कैसे गांव में एक तरह से गरीबी आ रही है, फैक्ट्रियाँ खुल रही है, गांव के किसान मजदूर बन रहे हैं, उनकी ज़मीनें एक तरह से जा रही है, ये सारी प्रक्रियाओं को बहुत बारीकी से लेखक दिखाते हैं। यानी एक तरह से हम लोग कहें कि जो असर पड़ रहा था, बदलते दौर का जो असर था, उसको भारतीय दृष्टिकोण से किस तरह से सामने रखा जाए, इन लोगों ने अपने लेखन में उसको स्थान दिया। बल्कि शाहिद अमीन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे इतिहासकार हैं, बल्टन हिस्ट्री के, वे तो कहते हैं कि प्रेमचंद के कथा साहित्य में जो चीनी मिल का वर्णन दिखाई पड़ता है, तो उसका उन्होंने स्टडी किया था देवरिया के पास का और कुछ जगह, कहा था कि वो पूरा एक इकोनॉमी जो कैसे क्रिएट हो रही है, कैसे आर्थिक तंत्र पूरे गांव के समाज को चला रहा है चीनी मिले। तो लोगों ने थोड़ा काम किया इस पर काफ़ी, लेकिन मैंने कहा कि बहुत काम की ज़रूरत है, और अगर अच्छा काम हो तो एक हम लोग कहते हैं कि हमारे लेखक जो हैं, जिस तरह से मतलब एक बहुत बड़े समाजशास्त्री थे, जब फ्रांस के थे, इपोलिटेन थे, इपोलिटेन कहते थे कि साहित्य जो है पूरा सामाजिक दस्तावेज है, एक सोशल डॉक्यूमेंट से साहित्य, और उसका अगर आप सामाजिक दस्तावेज की तरह इस्तेमाल करें तो उससे बहुत सारी चीज़ आपको दिखाई पड़ेगी। हो सकता है आपको उसमें तिथियां नहीं दिखाई पड़े, लेकिन तथ्य तो जो समाज का तथ्य है उसको जानने के लिए साहित्य सबसे अधिक मदद करता है, तथ्य के साथ नजरिया भी मदद करता है, क्योंकि ये कोई दस्तावेज में नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, के लोग क्या सोचते थे, क्या सोच रहे थे, लेकिन लेखक उस जो मूल अगर नहीं कहें तो कम जो प्रतिनिधि धारणाएं या प्रतिनिधि विचार होते हैं उसे समेटने में सफल साबित होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम लोग बात करें आज, क्योंकि आज हम लोग 1947 तक ही महत्वपूर्ण लेखक की बात कर सके, अगर उसके बाद के लेखक देखें और उसके बाद, तो क्या एक परसेप्टेबल चेंज आपको नजर आता है? देखिए, जब देश आज़ाद होता है तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है, आपका अपना तंत्र होता है, अपना समाज होता है, और वहाँ फिर लगता है कि एक नए नवनिर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, और आप देखेंगे कि साहित्य में भी नई कहानी, नई कविता, नए तरह के नाटक, नए तरह के उपन्यास, नए तरह के विचार आते हैं, जिससे बहुत सारे लेखक उस जमाने के हैं, जैसे फणीश्वरनाथ रेणु हैं, या मुक्तिबोध हैं, या ऐसे बहुत सारे लेखक जो नए सवाल को लेकर के हमारे सामने आते हैं। अच्छा। और कहीं ना कहीं मतलब जिसमें कहा जाता है कि अंग्रेजी राज में तो आपके आर्थिक संसाधनों का शोषण हो रहा था, या जो हमारा एक तरह से कहिए कि जो पॉलिटिकल जो फ्रीडम थी वो आपके पास नहीं थी, यहाँ तक कि आपकी जो अपनी भाषा जो एक तरह से कहते हैं उसका विकास ठीक से नहीं हो रहा था, और इसीलिए गांधी जी जैसे लोगों ने उस ज़माने में राष्ट्रभाषा को लेकर के या हिंदी को लेकर के बहुत सारे मतलब संस्थाओं का गठन किया।
लेकिन इसका फर्क ये भी पड़ रहा था कि धीरे 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 एक नए प्रकार की चेतना पैदा हो रही थी, और आज़ादी के बाद भाषा का सवाल बड़े सवाल के रूप में दिखाई पड़ता है। तो उस पर तो हम लोग विशेष चर्चा करेंगे आज, जो महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर, क्योंकि कई लेखकों के बारे में हम लोग चर्चा की, उनके बीच में कॉमन ग्राउंड क्या क्या थे? देखिए, कॉमन ग्राउंड तो वही था कि चूंकि देश पराधीन था तो मुक्ति का सवाल सबसे बड़ा सवाल था, और मुक्ति एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसमें राष्ट्र मुक्ति का सवाल पहला सबसे बड़ा सवाल था। दूसरा सवाल आप कह सकते हैं कि सामाजिक मुक्ति का सवाल था, और इस सामाजिक मुक्ति में दो चीज़ों पर काफ़ी फोकस हमारे लेखक दे रहे थे, एक दलित समाज की मुक्ति का सवाल और दूसरा स्त्री समाज की मुक्ति का सवाल। और इसीलिए इस दौर के साहित्य में आप देखेंगे कि राष्ट्र मुक्ति का सवाल एक बड़ा सवाल है, स्त्री मुक्ति का सवाल बड़ा सवाल है, और दलित सवाल बड़ा सवाल है। और इसके पीछे कह सकते हैं कि जिस तरह का दौर था, उस दौर में अम्बेडकर आते हैं, गांधी हैं, ये दोनों दलितों के सवाल पर काफ़ी डिबेट होता है, काफ़ी बहस होती है, स्त्रियों को लेकर काफ़ी विचार होते हैं, काफ़ी बहसें होती है उस दौर में, काफ़ी बहुत सारे मूवमेंट भी चलते हैं। तो ये सब मिला करके एक तरह से मुझे बार बार लगता है, लेकिन अगर आप कहेंगे कॉमन पॉइंट, तो राष्ट्र मुक्ति का सवाल सबसे बड़ा सवाल था। उसका भले ही जो प्रस्तुति का ढंग अलग अलग था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस जमाने में तो इतनी रचनाएं प्रतिबंधित होती है 1918 के बाद, जिसका कोई जवाब नहीं है। और पूरा तब तो डॉक्यूमेंट्स भी छप गया है कि हिंदी के प्रतिबंधित साहित्य पर, कई दो तीन वॉल्यूम में छप चुका है। मतलब अच्छा। बड़े बड़े लेखक की रचनाएं प्रतिबंधित होती है। ओके, तो प्रतिबंध लगाने का क्या मुख्य कारण? क्योंकि वो उनको लगता है कि इसमें कुछ देश प्रेम का भाव अधिक है, तो इससे विद्रोह होगा। अब विद्रोह होगा तो फिर अंग्रेजी सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। तो प्रतिबंध के कारण कुछ लेखकों ने अपने अपनी राह बदल भी दिए थे, उसका भी कुछ उदाहरण है या नहीं? थोड़ा थोड़ा उदाहरण है, लेकिन उस पर बाद में कभी चर्चा होगी। लोगों ने इसीलिए, कई सारे लेखक आप देखेंगे कि अपनी रचनाओं में राष्ट्र मुक्ति के सवाल को अवश्य नहीं उठाते हैं, जैसे लेकिन यह चेतना अंदर से थी सबके अंदर। राह बदलना तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि वो सीधे सीधे राष्ट्र के सवालों से नहीं टकरा करके उसको सामाजिक सवालों से जोड़ करके देख रहे थे कि अगर हमारा अपना राज्य होगा तो फिर ये हमारे समाज की इतनी बदहाली नहीं होगी, हो सकता हम और बेहतर तरीके से अपने समाज का विकास कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से उनका लिंग ध्यान वहीं पर था कि वो मुक्ति वाला, कि एक फ्रीडम होना बहुत जरूरी है। ऐसे ये भी आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे बहुत सारे लेखक ऐसे भी थे जो बाद में, यहाँ तक कि प्रेमचंद के बारे में भी कहा जाता है कि राष्ट्र मुक्ति का सवाल उनके यहाँ पहले पूरा था, लेकिन आखिर तक आते आते प्रेमचंद को भी लगने लगा था कि सामाजिक मुक्ति सबसे पहले जरूरी है, और सामाजिक मुक्ति में भी जो वर्ण और जाति की जो व्यवस्था, उससे मुक्ति बहुत जरूरी है। इससे मुक्त हुए बिना अगर हम राष्ट्र मुक्ति हो भी जाती है तो फिर वैसा ही रहेगा, और उसका नतीजा तो बहुत सारी चीजों में हम देख भी रहे हैं आज कल। तो अभी भी हाँ, तो इस बदलाव के पीछे क्या गांधी जी का जो नजरिया था वो था, क्या खुद मुंशी प्रेमचंद का अपना सामाजिक सरोकार के बीच में जाना और जानकारी हासिल करना है और उसके बाद चीजों को सामने लाना? देखिए, गांधी जी के बारे में भी कहा जाता है कि वो तिलक से बहुत प्रभावित थे, और तिलक के बारे में कहा है तिलक महाभारत से प्रभावित है, महाभारत में भी गीता से काफ़ी प्रभावित थे। और जब तिलक जब जेल में थे 1908 से 13 तक, तो उन्होंने गीता रहस्य का अनुवाद किया था। गांधी जी उससे बहुत अधिक प्रभावित थे। वहाँ पर तीन चीज़ें थी जिसको लेकर के वो भारतीय समाज को समझने की कोशिश करते हैं, एक है ज्ञान, दूसरा भक्ति, तीसरा कर्म, और गांधी इसको अपने ऊपर लागू भी करते हैं। आप कह सकते हैं गांधी वैष्णव भक्त थे, गांधी कर्मयोगी भी थे, और गांधी के पास ज्ञान भी था, पत्र पत्रिकाओं का निकालना, देश भ्रमण करना, गांधी बहुत सारे आंकड़े अपनी पत्रिकाओं में छापते थे जो उनकी पत्रिकाएं निकलती थी। ये तीनों का आप कह सकते हैं कि हमारे हिंदी के जो सबसे बड़े आलोचक जिनको हम लोग कहते हैं कि जिन्होंने हिंदी का अकेडेमिक ढांचा खड़ा किया, रामचंद्र शुक्ल को, मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई शुरू हुई, उसमें शुक्ल जी अध्यापक थे, तो उनके पूरे लेखन में या पूरे वैचारिकता में इन तीनों का काफ़ी समन्वय दिखाई। वो बार बार कहते थे कि अच्छा साहित्य वही होता है जिसमें ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय होता है, वही अच्छा साहित्य होता है। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं गांधी का प्रभाव भी कह सकते हैं या गांधी का प्रभाव नहीं भी कह सकते हैं, लेकिन शुक्ल जी कई जगह लिखते हैं कि मैं निष्क्रिय प्रतिरोध का विरोध करता हूँ। सर, अभी हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्र चेतना का, सब में कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन जब अगर राष्ट्र चेतना की बात करें तो 1857 की क्रांति का के बारे में जो हिंदुस्तान के लेखक थे
एवं भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना में देखें तो उसमें भी कम है। इसकी संख्या बढ़ना शुरू होती है 1930 के बाद, जबकि अगर इंग्लैंड की रचना की बात करें, इंग्लैंड में जो उस समय के लेखक थे तो उस पर काफ़ी 1857 की क्रांति के बारे में लिखे हैं, लेकिन नहीं मैं इससे सहमत नहीं हूँ। दिक्कत ये हुई कि हमारे जो पूरा हिंदी साहित्य है उसके साथ दो लोक कथाओं को तो मानते हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि उसको लोक कथा क्यों कहते हैं? अगर मान ली रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर तुलसीदास को अवधि के कवि के रूप में, बड़े कवि के रूप में दर्ज करते हैं, या सूरदास को मतलब ब्रज कवि के रूप में करते हैं, या मीराबाई को राजस्थानी कवि के रूप में, तो वे उन लोक भाषाओं में पूरा का पूरा साहित्य लिखा जा रहा था। अवधि में इतने मतलब फोकलोर हैं 1857 को लेकर के, या भोजपुरी में इतने अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बात करें, महावीर तो मैं कह रहा था आपसे कि दिक्कत ये हुई कि हमारे हिंदी के जो इतिहासकार रहे उन्होंने या तो शुक्ल जी के प्रभाव में थे या जो भी थे, एक तो बहुत सारे लेखक आधुनिक हिंदी की शुरुआत 1857 से मानते ही नहीं है। वो 1843 शुक्ल जी कहते हैं वहाँ से मानते हैं, या 1850 से मानते हैं जहाँ से भारतेंदु का जन्म हुआ था। इधर कुछ लेखकों ने, जैसे बच्चन सिंह ने जब इतिहास लिखा तो 1857 की चर्चा की, और नए जो लेखक कुछ लेखकों ने किया, लेकिन हम तो सीधे कह सकते हैं कि हिंदी एकेडमिया में लंबे समय तक 1857 जो था, चूंकि शुक्ल जी के इतिहास में 1857 कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा। उसमें लोक साहित्य, जिसे आप लोक साहित्य कह रहे हैं, उसमें 1857 से संबंधित एक भी गीत दर्ज नहीं है, एक भी गीत की चर्चा नहीं है। तो लेकिन आप कैसे कहेंगे कि वो ब्रज के कवि की, भारतेंदु की ब्रज कविताओं की तो चर्चा करते हैं, लेकिन उसी ब्रज में जो 1857 के आसपास जो कविताएं लिखी गई उसकी चर्चा नहीं करते हैं? वही अवधि में तुलसीदास की चर्चा करेंगे, लेकिन फिर आप बाद में जो फोकलोर है 1857 का, या हम तो इवन ये भी कहेंगे कि भोजपुरी के एक भी कवि की चर्चा नहीं करते हैं वो। अब भोजपुरी में तो मतलब कुंवर सिंह जो थे, जिनका बड़ा योगदान था 1857 के स्वाधीनता संग्राम में, उनके बारे में इतने फोकलोर लिखे गए। जैसे एक फोकलोर की चर्चा मैं करूँगा, कवि कहता है कि कुल्हिये गुनलका रामा मटिया में मिली गई ले नाही लेवे पावली सुराज। मतलब कुंवर सिंह के बारे में कह रहा है, कुंवर सिंह बोले कि हमने बहुत कोशिश की, इतना मेहनत किया है, लेकिन फिर भी हम अंग्रेजों को इस राष्ट्र से, इस देश से भगा नहीं पाए, इस तकलीफ और पीड़ा से कैसे मुक्ति मिलेगी। तो इधर तो बहुत कलेक्शन निकले हैं, मतलब उनको इकट्ठा करेंगे तो बहुत सामग्री है, मतलब उससे कितने इतिहास बन जाएंगे मतलब आज के लिए। लेकिन अब इधर इधर के लेखक अपने इतिहास में अब थोड़ा 1857 की चर्चा करने लगे हैं, तो लोक साहित्य की चर्चा होने लगी है। तो हम लोग सीधे सीधे नहीं कहेंगे, लेकिन हो सकता है शुक्ल जी भी मतलब इसलिए सर चर्चा नहीं करते हों कि उसमें किताबें बहुत प्रतिबंधित हो रही थी, 1857 की चर्चा करेंगे तो उस प्रतिबंध से बचना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं, शुक्ल जी बहुत जगह चर्चा भी करते हैं। शुक्ल जी एक बाबू रघुवीर सिंह करके एक लेखक हैं, उनकी किताब की समीक्षा करते हैं तो लिखते हैं कि बाबू रघुवीर सिंह ने कहा है कि लाल किला रो रहा था, उसकी आवाज़ कौन सुनेगा, अंग्रेजों के आतंक से कराह रहा था। मतलब तो ये सब भी एक सिंबॉलिक है कि मतलब 1857 को लेकर के उनके अंदर एक दर्द था। लेकिन हो सकता है कि लेखक कई बार होता है ना कि जब आप किसी चीज़ के निर्माण में जुटते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप अवॉइड भी करते हैं, आपको लगता है कि हम एक ढांचा खड़ा कर रहे हैं। तो शुक्ल जी ने वह काम किया है, हिंदी का ढांचा खड़ा किया, और हम लोग तो कहते हैं कि आज भी हिंदी का अकेडेमिक जो ढांचा है वो शुक्ल जी से मुक्त नहीं है। और इसीलिए इस पहले जो हम लोग इस आज की बातचीत में, मैं कहूँगा कि शुक्ल जी उसके केंद्रीय मतलब लेखक हैं। पूरा आपका पूरा हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके समानांतर अपनी बातचीत रखते हैं और कहते हैं ज्ञान भक्ति कर्म में, जो मैंने कहा कि कबीर को लेकर जो पूरा डिबेट हिंदी में है कि कबीर के यहाँ ज्ञान है कर्म है, लेकिन शुक्ल जी कहते हैं भक्ति नहीं है। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि भक्ति का मतलब क्या होता है? तो अगर लेखकों से इतर अगर हम लोग जाएं तो अगर शैली की बात करें जो प्योरली आधुनिक हिंदी के साहित्य को दर्शाता है, तो उसके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं जो एक युवा लेखक को या साहित्यकार को देखना चाहिए कि आधुनिक हिंदी साहित्य में इसकी स्थान होगी? देखिए, एक तो शुरू शुरू में मतलब 1857 के बाद हिंदी में बहुत सारी गतिविधियों का विकास होता है, जिससे उपन्यास लेखन शुरू होता है। तो शैली का बहुत एक अलग लंबा चौड़ा प्रसंग है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि चूंकि साहित्य जो सामाजिक सच होता है उसका बयान करता है, इसीलिए जो रियलिस्टिक अप्रोच होता है ना, यथार्थवादी शैली,
कई लोग कहते हैं कि यथार्थवाद विचार भी है, यथार्थवाद शैली भी है, तो आप इसको दोनों में शामिल या आप उसमें साहित्य हिंदी साहित्य में बिंब और उसको में उस जो बात ये करते हैं प्रतीक वाले चीजें तो बाद में दिखाई पड़ी, खासकर नई कविता के दौर में शुरू हुआ। लेकिन जैसे छायावाद में था कि मतलब छायाभास था कि राष्ट्र मुक्ति का सवाल छायावाद में था कि अस्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह था। लेकिन हम लोग बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि शैली एक बिल्कुल अलग क्षेत्र है। मतलब हाँ किसी एक जैसे जयशंकर प्रसाद की शैली अलग थी कहानी लेखन की, प्रेमचंद की बिल्कुल यथार्थवादी थी। जयशंकर प्रसाद संस्कृत निष्ठ हिंदी लिखते थे, प्रेमचंद बिल्कुल आम बोलचाल की हिंदी लिखते थे, उसको समझना बहुत आसान। जैसे प्रेमचंद की कहानियाँ जब आप पढ़ेंगे तो प्रेमचंद की कहानियों में जब गांव की कहानी लिखते हैं तो जब कोई मुस्लिम पात्र आता है तो फिर वो अपना वो उसी जो जबान है वही बोलता है। ओके सर, आज के व्याख्यान को विराम दें उसके पहले यह जानना चाहूँगा कि कल हम लोग कौन कौन लेखक पर बात करेंगे ताकि जो दर्शक हैं वो कल पहले से कल हम लोग 1947 के बाद के लेखकों पर विचार करेंगे, जिसमें जाहिर है कि मतलब फणीश्वरनाथ रेणु हैं, अमृतलाल नागर हैं, धर्मी भारती हैं, मुक्ति बोध हैं, फिर कृष्णा शोभती हैं, भीष्म साहनी है, जो स्वाधीनता के बाद के जो लेखक उन पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे कि मूलतः उसके बाद के साहित्य को बनाने में किन लेखकों की बड़ी भूमिका है, अगर वे नहीं होते तो हो सकता हिंदी का ढांचा नहीं होता। सो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद, और आपकी ओर से डॉक्टर देवेंद्र चौबे जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से सरल भाषा में आधुनिक हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण लेखकों के बारे में हम लोगों के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं समझाने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच।